सोनू सूद और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को मिला है कॉन्विक आइकॉनिक 2017 अवार्ड। जी हाँ, वहीं सोनू सूद ने फिटनेस को लेकर काफी सारी बातें शेयर की, तो शिल्पा शेट्टी ने भी बताया अपने यूट्यूब फिटनेस चैनल के बारे में। मुंबई में हुआ इकोनॉमिक आइकॉनिक 2017 अवार्ड, जिसमें शिल्पा शेट्टी ने जहां इस अवार्ड के बारे में बात की और साथ ही अपने यूट्यूब पे फिटनेस चैनल के बारे में भी बताया। शिल्पा ने बताया कि वो किसकी फिटनेस से हैं सबसे ज्यादा इंस्पायर और साथ ही बॉलीवुड में कौन लगता है उन्हें सबसे ज्यादा फिट। बस यही कहूँगी कि उस कोशिश को बस जारी रखें और फिटनेस एक ऐसी चीज है, कभी किसी ने ये तो नहीं कभी कहा है कि अरे मैंने आज वर्कआउट किया, मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ। तो फिट होके कोई रिग्रेट नहीं करता और मुझे लगता है कि हम तभी अपने अपने आप का और आई जस्ट फील दैट अपने हेल्थ का ख्याल रखना शुरू करते हैं जब हमको पता चलता है कि वे सफरिंग विद एन एलमेंट। तो मेरा ये मानना है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसी के बारे में सोच के आई हैव स्टार्टेड द शिल्पा शेट्टी चैनल यूट्यूब पे। अब इंफॉर्मेशन और वर्कआउट रिजीम सब फ्री में मिलेगा लोगों को एंड वी ऑलरेडी टच लाइक अ लैक सब्सक्राइबर्स। तो मुझे बहुत खुशी है कि लोग अपने हेल्थ को सीरियसली ले रहे हैं एंड बस मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं लोगों को बस इनक्रेज करने की सोच से ही जो भी कर रही हूँ वो मैं करती रहूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 70% वर्कआउट है और 30% डाइट है, बिल्कुल उल्टा है उसका। सो इफ 70% लुकिंग आफ्टर व्हाट यू आर ईटिंग, जो आपके अंदर जा रहा है, अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यू विल बी एबल टू रीच योर यू नो योर गोल। सोनू सूद ने बेस अवार्ड के बारे में बात करते हुए फिटनेस की टिप्स दी और साथ ही बताया कि लोगों को कैसा खाना खाना चाहिए। सोनू ने ये भी बताया कि लोग कैसे खुद को फिट रख सकते हैं। इसके अलावा सोनू सूद ने अपने स्ट्रगल के दिनों को भी याद किया और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो फिट एक्टर्स और वैसे ही कुछ हमारे साथ मौजूद है जिन्हें आज अवार्ड मिलने वाला है। लेट्स टॉक टू सोनू सूद। हाय, हाउ आर यू? आपको यहाँ अवार्ड से नवाजा जाएगा, सो क्या कुछ कहना आपको? बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैंने बोला कि जो पहला दिन था जिम के अंदर जब मैंने फीस भरी थी पहली नागपुर में, तो आज लगता है कि वर्थ थी कि यूँ इतने साल मैंने एक्सरसाइज करते रहे और फिट हो गए। आई थिंक उसी के कारण शायद एक्टिंग में भी घुसे, वो एक कीड़ा भी एक्टिंग का वहीं से घुसा। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट वेदर यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और बिहाइंड द कैमरा। अब अपने कैमरामैन साहब को देखो कितने फिट हैं, एकदम यू नो बाइसेप शाइसेप लग रहे हैं। तो आई थिंक यू नो दैट सेज इट ऑल कि आज कल ये जरूरी नहीं है कि आप कैमरा के सामने कैमरा के पीछे भी इतनी फिटनेस चाहिए। समर की बात की जाए तो फिट रहे तो बहुत जरूरी है, लेकिन समर आ रही बहुत गर्मी है बट उतनी फिटनेस हो नहीं पाती, तो क्या कुछ समर टिप्स आप देना चाहेंगे ऑडियंस को? नो, समर में मुझे लगता है कि हम ज़्यादा ब्रिड हो सकते हैं क्योंकि यूसर लॉट और आप थकते जल्दी हैं और आजकल तो जिम ऐसे हैं कि जहाँ पे बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि यू नो यू स्वेट अ लॉट एंड यू गेट रिप्ड फास्टर। तो फिटनेस के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, समर्स हो विंटर्स हो माइनस में टेम्परेचर हो बट यू हैव टू गो टू द जिम एंड रिमेन फिट। थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट जीवन थापा के साथ नेहा सिंह, चैनल 1 मुंबई। आइकॉनिक अवार्ड में हमें झलक दिखी द मोस्ट फिट एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और साथ ही साथ बॉलीवुड की फिट एक्ट्रेस सोनू सूद की। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटरटेनमेंट डेस्क।